इस वीडियो में हम क्या जानेंगे कि रैखिक समीकरण युग्म को हम ब्रज गुणन विधि द्वारा कैसे बनाएंगे। ब्रज गुणन विधि बोले तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, और इस मेथड को हम आपको बताएंगे एक ट्रिक के जरिए। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये इसका जो फॉर्मूला होता है तो कैसे फॉर्म्ड होता है, कैसे बनता है, इस चीज को जान ले तो काफी अच्छा होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो दो इक्वेशन को हम सॉल्व करना जानते हैं यहाँ पे, एक्स और वाई, वाई जेड जो भी हो, ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो मान लेते हैं हम सबसे पहले क्या चीज कि माना कि क्या माना कि दो रैखिक समीकरण जिसको कहते हैं लिनियर इक्वेशन, समीकरण जो है वह मेरा है a1x + b1y +c1 = 0, और दूसरा मानते हैं a2x + b2y + c2 = 0। ये इक्वेशन मेरा हो गया सेकेंड, और इससे हम निकालेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जहां ये सब बात को भी ध्यान में रखना होगा, जहां a1 डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, b1 डज नॉट इक्वल टू 0, a2 डज नॉट इक्वल टू 0 और b2 डज नॉट इक्वल टू सॉरी 0, c1 c2 0 हो सकते हैं, कॉन्स्टेंट है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण एक में b2 से तथा समीकरण दो में b1 से गुणा कर देते हैं। गुणा कर क्या करेंगे, तो दोनों देख रहे हैं इक्वेशन प्लस में है, तो जब इक्वेशन समान साइन के साथ हो, समान चिन्ह के साथ हो, तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, घटाते हैं। गुणा कर घटाने पर मन में कुछ क्वेश्चन आया होगा कि क्यों ऐसा हमने किया, b2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिए इक्वेशन फर्स्ट में और b1 से मल्टीप्लाई कर दिए सेकेंड में। तो देखिएगा दोनों इक्वेशन को ध्यान से, आप देख सकते हो अगर b2 से मल्टीप्लाई करें तो ये दे देगा b1 b2 (y) और ये भी दे देगा b1 b2, तो इसे कैंसिल हो सकता है, तो इसलिए हमने ऐसा किया ताकि हमें x का वैल्यू फाइंड आउट हो जाए। तो जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मेरा बंदा है a1x, इसमें मल्टीप्लाई क्या चीज से किए थे, आप देख सकते हो क्या चीज से मल्टीप्लाई किए थे, b2 से इक्वेशन फर्स्ट में। चलिए b2 + b1 b2 (y) + c1 में भी मल्टीप्लाई होगा तो b2 c1 = 0, मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही देगा रिजल्ट। दूसरा इक्वेशन मेरा है ये, और इसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग क्या चीज से, v1 से। तो जब b1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a2x तो था ही, इसमें मल्टीप्लाई होकर दिया b1 प्लस, यहां आप देख सकते हो ये है, तो इसमें मल्टीप्लाई किया तो b1 b2 y प्लस इसमें भी मल्टीप्लाई कर दिया तो b1 c2 = किसके, 0 के। इक्वेशन को क्या करना था, सब्ट्रैक्ट, प्लस का साइन है माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, प्लस का साइन है तो माइनस, 0 है, माइनस देने से कोई फायदा है नहीं, कुछ नुकसान भी नहीं, तो ये सी कैंसिल हो गया और यहाँ से हमें बचता है a1x b2 - a2x v1 = और यहां से आप क्या देख रहे हो, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, +b2 c1 - b1 c2 और = किसके, 0 के, ये प्लस का साइन है, यहां देख सकते हो और यहां देख सकते हो, एक्स तो कॉमन ले सकते हैं यहां से हम लोग, तो एक्स कॉमन ले रही है तो यहां से हो जाता है a1 b2 - a2 b1, प्लस है उधर भेज दिए, ये माइनस में उधर क्या तो हो गया +b1 c1, ये प्लस है तो इधर आके हो जाता है -b2 c1 सॉरी यहां c2 था, ठीक है। चलिए तो बात बन गया है, x बराबर क्या निकल के आया फॉर्मूला, b1 c2 - b2 c1 जो सट्टा सो बट्टा में गया a1 b2 - a2 b1, तो मेरा x का वैल्यू यहां से फाइंड आउट हो गया। तो x फाइंड आउट हुआ जब हमने क्या किया, b को गैप कर दिया, b के साथ क्या था, y था। अब हम क्या करेंगे, इसको गैप कर देंगे तो यहां से हमें y फाइंड आउट
हो जाएगा। तो बस अल्टरनेटिव क्या करना है कि इसमें ए टू से मल्टीप्लाई, इसमें ए टू से मल्टीप्लाई, इसमें ए वन से मल्टीप्लाई कर देंगे अब समीकरण में, ठीक है ना। तो ये बात करते हैं फिर से, क्या करेंगे फिर समीकरण एक में हम लोग शॉर्टकट ले देते हैं, समीकरण एक गुने ए टू माइनस समीकरण दो गुने ए वन। तब देखिए करते हैं तो क्या होता है, तो इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो आ जाएगा मेरा क्या चीज ए वन ए टू एक्स, ठीक है ना। सॉरी समीकरण मेरा यहाँ है, ठीक है। प्लस तो प्लस, ए टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देगा ए टू बी वन वाई, प्लस सी वन की जगह मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या देगा मेरा रिजल्ट ए टू सी वन और बराबर में जीरो। चलिए इसमें करते हैं, इसमें क्या करना है ए वन से मल्टीप्लाई तो क्या देगा ए वन ए टू एक्स प्लस ए वन बी टू वाई प्लस ए वन सी टू इक्वल्स टू जीरो, और इक्वेशन को करते हैं सब्सट्रैक्ट, घटा देते हैं, ये कैंसिल हो गया। ये वाई वाई दोनों के पास वाई कॉमन ले लिए हम यहाँ से, तो बच जाता है ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू, ठीक है ना, प्लस ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू। दिस इंप्लाइज वाई इंटू ए टू बी वन माइनस ए वन बी टू बराबर माइनस, या सॉरी यहाँ जीरो, उस पार ले जाते हैं माइनस तो प्लस देगा ए वन सी टू जीरो में ऐड करेंगे यही देगा रिजल्ट, प्लस है तो इधर आके माइनस ए टू सी वन। दिस इंप्लाइज वाई बराबर हमें निकल के आया ए टू सी टू माइनस ए टू सी वन बट्टा जो सट्टा सो के बट्टा में ए टू बी वन माइनस ए टू बी टू। तो यही मेरा एक्स और वाई का वैल्यू हुआ, लेकिन ये काफी लेंथी हो जाता है, तो हम एक ट्रिक बताएंगे जिसकी मदद से आप बहुत ही कम समय में इस चीज को समझ पाओगे। तो चलिए आज हम एक पहेली बुझाते हैं कि बी सी ए करके बन गया बुर्बक, ठीक है ना। तो बी सी ए करके बन गया क्या चीज बुर्बक, पहला आदमी बना, ठीक है, अब दूसरे को भी फंसा दिया। आप लोग देखते होंगे गांव में अगर कोई टकला होता है तो प्रचार करता है, फिरता है कि पता है आज बाल छिलमाए बहुत मजा आ रहा है, बहुत सर हल्का है, रिलैक्स फील कर रहे हैं। इसी तरह यहाँ भी एक बुर्बक बन के आया बी सी ए करके, दूसरे को भी बना दिया बुर्बक, ठीक है ना। बी सी ए करके उसको भी बना दिया बुर्बक, दूसरा व्यक्ति बना तो दो दो लगा दिए, ठीक है। और ये मेरा एक्स, ये वाई, और ये कॉन्स्टेंट को मानते हैं वन। अब देखिए फार्मूला बनेगा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते चल जाएंगे और फार्मूला हमें निकल के आ जाएगा एक्स के लिए, ठीक है। एक्स बट्टा इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, क्या देगा बी वन सी टू माइनस इसको इससे कर दिए, क्या दिया सी वन बी टू बराबर, ठीक है वाई, तो वाई बट्टा में इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए तो ए टू सी वन माइनस इससे इससे कर दिए तो ए वन सी टू बराबर कॉन्स्टेंट वन बट्टा, देखिए यहाँ से इसको किए ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। अब देखिए ये वेरिएबल, ये कॉन्स्टेंट, वेरिएबल का कॉन्स्टेंट के साथ भिराएंगे, वेरिएबल का कॉन्स्टेंट के साथ भिरा देंगे, एक्स बराबर एक्स बट्टा बी वन सी टू माइनस सी वन वी टू इज इक्वल टू क्या देगा वन बट्टा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, और दूसरा क्या देगा वाई वाई ए टू सी वन माइनस ए वन सी टू बराबर वन बाई ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन, ठीक है ना, बी वन है। अब देखिए यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन अगर करें तो मेरा बात बन जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो रिजल्ट सेम आएगा, तो x के मल्टीपल में आ जाएगा, तो x इंटू लिख सकते हैं ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन बराबर, उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू। चलिए x का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या देगा बी वन सी टू माइनस, चलिए बी टू पहले लिख देते, कौन दिक्कत है, कोई दिक्कत तो नहीं है, बट्टा ए वन बी टू माइनस ए टू बी वन। और चलिए यहाँ से हम कंपेयर करते हैं एक्स का वैल्यू, बी वन सी टू तो बी वन सी टू, बी टू सी वन तो बी टू सी वन, ए वन बी टू ए वन बी टू माइनस तो माइनस ए टू बी वन, मिल गया ना। सिमिलरली इसी प्रकार आप निकाल सकते हो किसका, वाई का वैल्यू निकालोगे तो निकल के आ जाएगा क्या चीज ए टू सी टू, सॉरी ए टू सी टू
नहीं होगा, यहाँ मिस्टेक किए हैं हम, A1 है सॉरी, यहाँ A1 होगा। A1 C2 माइनस A2 C1 बट्टा A2 B1 माइनस A2 B2। तो इस प्रकार हमने देखा कि बहुत ही आसानी से हम इसे कर सकते हैं, वो भी किसके द्वारा, तो एक ट्रिक के जरिए, ट्रिक की मदद से। तो अब इस वीडियो में देखेंगे एक क्वेश्चन करके इस पे, इससे रिलेटेड कि हम ब्रजगुणन विधि से क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो काफी इजी वे में हम बताएंगे आप लोगों को। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो ब्रजगुणन विधि का हमने थ्योरी देखा और कुछ ट्रिक्स भी देखे हैं, तो उसके आधार पर हम एक क्वेश्चन आप लोग को करके बता रहे हैं, तो आप ध्यान से देखिएगा, आशा करते हैं आप लोग को समझ में जरूर आएगा। तो देखिए मेरा क्वेश्चन है, एक इक्वेशन ये, दूसरा इक्वेशन ये है, और इसे हमें सॉल्व करके देना है एक्स और वाई का मान। तो इस इक्वेशन की जहाँ तक की बात करें तो देख सकते हैं इसका फॉर्म जो है a1x + b1y + c1 = 0 के फॉर्म का है। तो हम बहुत ही एक्सप्लानेशन के साथ बता रहे हैं यहाँ पे कि देख सकते हो कि a1 के जगह पर मेरे पास है 2, b1 के जगह पर मेरे पास है कुछ नहीं मतलब 1, और C1 के जगह पर मेरे पास है -35। दूसरी इक्वेशन की बात करें तो इसको हम लिख सकते हैं a2x + b2y + c2 = 0। एक घर में 2 बच्चा जन्म लेता है, दोनों का नाम अलग होना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, जानते ही होंगे, बोलेंगे राम तो सारा दौड़ के आएगा, इसलिए राम हो तो दूसरा श्याम हो, लक्ष्मण हो, जो भी हो, नाम अलग होना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ अगर हम बात करें तो A1 के जगह पर हम क्या पा रहे हैं, सॉरी A2 के जगह पर क्या पा रहे हैं, 3, और B2 के जगह पर क्या देख रहे हैं, 4, और C2 की जगह पर हम देख रहे हैं -65। और जैसा कि हम ट्रिक में बताए ही थे कि फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, तो BCA करके बना था बुड़बक, एक आदमी बना बुड़बक, क्या किया वो, दूसरे को ही फंसा दिया, तो क्या करेगा, झेलाएगा वो, XY1 नहीं झेलाएगा, झेलाएगा तो क्या होगा, को क्रॉस कर देंगे, ठीक है क्रॉस कर देंगे, बस बन गया है क्वेश्चन, टेंशन नहीं लेना है, X के जगह X, ठीक है। अब देखिए हम अगर फार्मूला की बात करें तो फार्मूला यहाँ से बन आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करके देखा जाए तो B1C2 देगा -B2C1 देगा। तो हम ऐसे करके करेंगे, काफ़ी लेंदी जाएगा, उससे अच्छा कहीं है कि x y और 1 कांस्टेंट रहने दिए, B1 के जगह पर हम क्या कर देंगे वैल्यू, ऐसे भी कर सकते हैं आप, B1 के जगह वैल्यू क्या पुट कर देंगे, तो देख सकते हो यहाँ है 1, और C1 के जगह वैल्यू क्या है -35। अब देखिए A1 के जगह वैल्यू क्या है तो 2 है, और B1 के जगह वैल्यू क्या है तो 1 है, B2 के जगह वैल्यू क्या है तो 4 है, और C2 की जगह वैल्यू क्या है तो -65 है, ठीक है ना। और देख सकते हो क्या चीज, उसके बाद क्या है A2, तो A2 की जगह पर क्या है 3, B2 की जगह पर क्या है तो 4, करना है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन और कहानी खत्म, यहीं पे हो जाएगा तमाम। अब तो x/65 को 1 से गुना करेंगे तो -65 देगा, और 35 को 4 से गुना कर दोगे तो 35 को 4 से करेंगे, 5 × 20 = 0, हाथ में रहा 2 × 4 = 140 देगा, और माइनस है ना यहाँ, बस फार्मूला वाला भी कहता है कि माइनस होता था, माइनस माइनस क्या रिजल्ट देगा, प्लस, देख रहे हैं ना फार्मूला में माइनस देता था तो देगा रिजल्ट प्लस में, ठीक है ना, समझ जाइएगा ठीक, बराबर। अगर प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा ठीक। y/, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, प्लस माइनस माइनस 105, यहाँ माइनस एक फार्मूला वाला ना माइनस होता है, तो माइनस माइनस देगा प्लस, अब 65 दूना देगा 130 बराबर 1/4 × 8, और माइनस फार्मूला बोलता है 3 × 3, तो यहाँ से देगा आपका रिजल्ट x/, इसको माइनस करोगे तो आई होप कि 75 आएगा, ठीक है होप नहीं आएगा ही, y/ दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 25 और बराबर यहाँ से देगा 1/5। अब चलिए वेरिएबल को कांस्टेंट से भिराएंगे, x/75 = 1/5 लिख सकते हैं, और y/25 = 1/5, तो ये 5 से
15 टाइम्स और ये 5 से 5 टाइम्स क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो x बराबर आता है 15 और y जो हमें आता है वो आता है 5, तो ये होगा फाइनल आंसर। तो आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा।